और आपको बताएं कि ईद कुर्बान के करीब आते ही मुनफरिद और खूबसूरत जानवरों के चर्चे आम हो गए हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद FC एरिया में 6 टांगों वाला बैल खासा मकबूल हो रहा है। समीर नवाज की रिपोर्ट देखिए। लियाकताबाद में 6 टांगों वाले बैल की धूम मच गई। बैल के मालकान इसकी इजाफी टांगों को कुदरत का करिश्मा करार देते हैं। उनका कहना है कि 2.5 बरस कबल रहीम यार खान से खरीदा गया ये बैल 16 मन वजनी है। इस बैल की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। ये हमने रहीम यार खान से खरीदा है 2.5 साल पहले। मुल्तान से लौट करा तो जब ये चीजें देखी तो हमें इसको पालने का शौक हुआ। हमने इसकी सब जानवरों से अलग परवरिश की और अच्छे तरीके से पाला। फरोख्त करने की कीमत वो अल्लाह के नाम पे खर्च करेंगे, फलाई काम में खर्च करेंगे, लेकिन हमने इसकी कीमत 10 लाख रुपए रखी है। 6 टांगों वाले शेरू की इजाफी 2 टांगे गर्दन से लटक रही हैं। बैल के खिदमतगारों का कहना है कि इसे बड़े नाजों से पाला है, इसे गिजा भी खुसूसी खिलाते हैं। इसको हमने बहुत तरीके से पाला हुआ, इसको अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। इसको गंदम का दलिया खिलाते हैं, चने की हट्टी खिलाते हैं और हरी घास खिलाते हैं कुत्तर, और खिदमत करते हैं। इसको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नहला देते हैं। शेरू के मालकान कहते हैं कि इसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने का मकसद कारे खैर में रकम खर्च करना है। बैल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम सामाजिक कामों पर खर्च की जाएगी। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची।